हरियाणा में आए दिन चोरी की घटना सामने आ रही है। लगातार हो रही चोरी की वारदातों पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। चोरों के खिलाफ पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है, जिसके चलते पंचकुला क्राइम ब्रांच 26 की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पंचकुला के सेक्टर 21 के मकान में बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से एक डायमंड सेट, 2 सोने के टॉप, 15 किलो चांदी, 7 इम्पोर्टेड घड़ियां, 3,30,000 नगद कैश बरामद किया है। वहीं पंचकुला DCP मोहित हांडा ने बताया कि बीते दिनों सेक्टर 21 के एक मकान से 25 लाख का सामान चोरी हुआ था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने कई टीमें बनाई और मामले की जांच शुरू कर दी। चोरी की वारदात में मकान में काम करने वाले ड्राइवर विशाल को शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। उससे दबाव बनाकर पूछताछ की गई तो आरोपी ड्राइवर ने पूरा चिट्ठा खोल दिया और अपने दूसरे सदस्यों का नाम बता दिया, जिस पर पुलिस ने आरोपी विशाल, विमल, दीपक गर्ग को गिरफ्तार किया है। ये मामला सेक्टर 14 का 170 नंबर FIR सेक्टर 21 में 26 और 27 की फरवरी की रात के बीच में एक हाउस बर्गलरी हुई थी, जिसमें कंप्लेनेंट ने यह बताया था कि लगभग 25 लाख की वैल्यू का जो सामान है और कुछ कैश लगभग 3.5 लाख का, वो उनका चोरी हुआ है। और क्योंकि ये हमें लगा कि बहुत गंभीर मामला है, और इसलिए CP पंचकुला के आदेश अनुसार हमने इसमें मल्टीपल टीम्स अपनी फॉर्म की, क्राइम टीम थाने से और अपनी टेक्निकल इंटेलिजेंस टीम, और हमने इनको इसमें जो तीनों आरोपी थे, विशाल जो कि इनका कंप्लेनेंट का ही ड्राइवर था, और उसके दो अन्य साथी विमल गंजा और दीपक गर्ग, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इनको जो मुख्य आरोपी इनका ड्राइवर विशाल था, इसको 2 तारीख को गिरफ्तार किया और उसके डिस्क्लोजर पे उसके बाकी दो अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया। तो क्या कुछ बरामद हुआ सर इसे? इसमें पूरी जो डिटेल्स हैं वो वैल्यूएबल्स, इसमें सोना, चांदी, घड़ियाँ, LEDs और 3.5 लाख रुपया कैश, तो 15 किलो चांदी थी, और बाकी डिटेल्स भी जैसे मैंने आपको बताया, लगभग 25 लाख की वैल्यू का टोटल सामान था, जिसमें से कुछ कैश इसने बैंक में जमा करा दिया था, उसको भी हमने नियमानुसार जो है बैंक के साथ पत्राचार किया है और कोर्ट के आदेश के अनुसार वो भी कंप्लेनेंट को दे दिया जाए। फिलहाल पुलिस ने 25 लाख रुपए की चोरी की घटना को सुलझा दिया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन अभी बहुत सी वारदातें ऐसी हैं जिसमें खुलेआम चोर घूम रहे हैं और लगातार आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं। उन पर कब पुलिस लगाम कसती है, ये देखने का वाक्य होगा। पंचकुला से उमंग श्योरण, पंजाब केसरी TV।